मेरे हिसाब से भी मेमोरीज बनाओ, बट मेरे हिसाब से मेमोरी बनाना क्या होता है कि एक मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हुए, तीन फोटोज लो अब दफा हो जाओ। अगर उन तीन फोटोज में आपकी बाजुएं मोटी लग रही है तो वो मोटी है। There is nothing wrong with मोटी बाजुएं। And I'll tell you honestly, growing up, मुझे कोई, मेरे पेरेंट्स हमें कभी हॉलीडे पे लेके ही नहीं गए। मेरे पेरेंट्स को आज तक समझ में नहीं आता ये हॉलीडे क्या है। तेरे एक बात बताओ, तुम फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो दूसरे शहर आराम करने, तुम बेडरूम में जाओ सो जाओ आराम का आराम। ग्रोइंग अप माई पेरेंट्स दे नेवर टुक अस आउट ऑन अ हॉलीडे। फॉर देम हॉलीडे मेंट गोइंग टू अ रिलीजियस प्लेस। मेरी बहन और मैंने कितनी बारी बोला हमें मसूरी ले जाओ, कह रहे पैसे ही नहीं है मसूरी के लिए। देन टू वीक्स लेटर दे प्लान्ड अनदर रिलीजियस ट्रिप। मैंने कहा अब कहां से आ गए पैसे। That is like दर्शन करने होते तो ऊपर वाला दे देता है। तो मैंने बोला वो ही पैसे लो और मसूरी चल लो। That is like तू तो नरक ही जा रहा है। मैंने कहा जब नरक जाना ही है तो कम से कम मसूरी तो दिखा दो मुझे एक बारी, फिर तो मैं नरक ही देख रहा हूं जिंदगी भर। एंड ऐसा नहीं है कि आई माइंड गोइंग टू रिलीजियस प्लेसेस, आई रियली एंजॉय, बट नॉट विद माई फादर, बिकॉज मेरे पापा वहां के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते। आप छोटी सी कंप्लेंट करो वो शहर को डिफेंड करने लग जाएंगे। आप उनको बोल दो आज यहाँ कितनी गर्मी है, हिज रिस्पॉन्स वुड बी दर्शन हो गए ना, आत्मा को ठंडक मिल गई शरीर के। उल्टा भी चलता है, आप उनको बोल दो आज यहाँ कितनी ठंड है, लाइक दर्शन हो गए ना, आत्मा को गर्मी मिल गई शरीर के। एक बार मैंने जाके बोला पापा भूख लग रही, कह रहे पहले दर्शन कर, आत्मा का ध्यान रख, पेट अपने आप अपना ध्यान रख। 5 मिनट बाद हमें एक बेगर मिला, वो कह रहा पैसे दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैं कहा पैसे क्यों मांग रहा है, साथ आदर्शन करते हैं। द ओनली टाइम माई फादर कंप्लेन एट अ रिलीजियस प्लेस वॉज बिकॉज हम जिस रूम में रुके हुए थे उस रूम में टीवी नहीं था, और ये मेरे पापा टीवी के बिना जी नहीं सकते। उन्होंने फेरे मम्मी के साथ लिए, वो निभा टीवी के साथ ही रहे। तो वो मैनेजर के पास लड़ने चले गए, ये क्या बदतमीजी होती है, तुमने यहां टीवी नहीं लगा रखा, हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा। तो मैनेजर वॉज लाइक सर अब यहां दर्शन करने आए हो, दर्शन से बड़ा एंटरटेनमेंट नहीं है दुनिया में। पापा की बोलती बिल्कुल बंद। उस दिन के बाद से मैं और मेरी बहन उस मैनेजर को ताऊजी बुला रहे। जो पापा को चुप करवा दे वो ताऊजी है, किसी और में बस की है नहीं ये बात। बट नाउ आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। मैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ तो मेरे पापा को बहुत डर लगता है। मैं पहली बार सिंगापुर जा रहा था शो करने के लिए, मैं निकल रहा हूँ घर से, कह रहे बेटा तूने कुछ गलत काम तो नहीं कर रखा। क्योंकि वो इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट वाला तेरा पासपोर्ट स्कैन करेगा, उसकी स्क्रीन पे आएगा तेरा करियर खत्म। अब देखो ऐसा मैंने कुछ इलीगल काम कर नहीं रखा, मैं वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इन माई 35 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस मैं आज तक सिर्फ एक ही ब्लैक लिस्ट पे आया हूँ, वो भी डोमिनोज की। I will explain. Domino's का एक ऑफर होता है 30 minutes नहीं तो फ्री। For all those who don't know, you order on Domino's, they are supposed to deliver in 30 minutes. नहीं करा तो फ्री होगा, फ्री कुछ नहीं होता, वो सिर्फ 300 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो हम 4 दोस्त कॉलेज में साथ में रहते थे, हम Domino's से खाना मंगवाते थे। अगर वो 30 मिनट के बाद आए तो 300 रुपए का डिस्काउंट, बट अगर वो डिलीवरी बॉय टाइम पर आ गया तो हम उसको बोलते थे भैया आप बोल देना आप लेट हो गए थे, 100 रुपए आप रख लो, 200 हम रख लेंगे। और ये सारे डिलीवरी बॉय मान जाते थे। बट आफ्टर सम टाइम डोमिनोज फिगर्ड आउट, दे वर लाइक वेट अ मिनट यार, ये पिछले 1 साल से हम इस एक एड्रेस पे टाइम पर पहुंच ही नहीं पा रहे, हम इससे नीचे वाले फ्लोर पे टाइम पे पहुंच गए, हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे टाइम पे पहुंच गए, इस फ्लोर पे कौन सा बरमूडा ट्रायंगल लेके पहुंच ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने स्टोर मैनेजर को भेज दिया, बट हमें क्या पता वो मैनेजर है। तो हमने उसे सेम ऑफर दे दी, हमने कहा भैया आप बोल देना आप लेट हुए थे, 100 रुपए आप रख लो, 200 हम रख लेंगे। वो हमें गालियां देने लग गए, कहते चीटिंग करिए तुमने के साथ, तुम सब जेल जाओगे, हमारी फट ली। हमने उसी दिन अपना हिसाब किताब खत्म करा डोमिनोज के साथ, हमने उसे 275 रुपए दिए, 25 रुपए खुद रखे। बट नाउ आई हैव ट्रैवल द वर्ल्ड ऑन हॉलीडेज एज वेल विद माई वाइफ, बिकॉज वो बहुत पैसे कमाती है। जब हमारी शादी हुई भी उसे मुझे पूछांगा तेरे सबसे पहले कहाँ चलना, तेरे को पेरिस चलना, तेरे को लंदन चलना, मैं कहा मुझे सबसे पहले जाना है मसूरी। मैंने मसूरी देख लिया, मैं नर्क के लिए रेडी हूँ। बट आई रियलाइज समथिंग आफ्टर हॉलीडे कि वी इंडियंस वी डोंट नो हाउ टू एंजॉय हॉलीडे। हॉलीडे का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रेस घर पे छोड़ो और जाके चिल करो। हम सोचते हैं
कि हम स्ट्रेस घर पे छोड़ के जा रहे हैं, बट जिस भी कंट्री में लैंड करती हम कैलकुलेट करने लग जाते हैं कि यहाँ तो 2 लाख रुपए लग के आने के, अब तो जो कुछ है सब कुछ देखना है, जाके एक रैंडम बिल्डिंग को देखेंगे, पार्क को देखेंगे, रोड को देखेंगे। हम एक रोड पे लेके, मैंने क्या इस रोड पे, कह रहे इस रोड पे जूलियस सीजर इजिप्ट गया था। तो मैं कहा मैं क्या करूं, 2 गली छोड़ करके मैंने कहा इसमें क्या, कह रहे इससे वापस आएगा। मैं कहा पागल हो गया क्या, कुछ भी टूरिज्म बना दिया इन लोगों ने। यहाँ कितने लोगों ने पेरिस में जाके आईफिल टावर देखा हुआ है, रेज योर हैंड। हाँ, जिन बाकी लोगों ने नहीं देखा हुआ, मैं आपको बता दूं, आप अपनी जिंदगी में कुछ मिस नहीं कर रहे। एकदम वही आता है वो, उसको देखने के तो फ्रेंच गवर्नमेंट शुड पे यू, क्या आपकी नजर पड़ गई, ये लो 20 यूरो हमारी तरफ। इट इज सपोज टू बी द मोस्ट रोमांटिक मॉन्यूमेंट, उसके सामने जाके कपल्स किस कर रहे हैं एक दूसरे को, मैं और बीवी के चपेट मारने का मन कर गया कि इतना पैसा खर्च के टेलीकॉम का पोल देखने आया। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई डोंट इवन एंजॉय ट्रैवलिंग विद माय वाइफ दैट मच। I am not a horrible husband. I'll give you 2 reasons. Then you will agree with me. Even we don't want to travel with your wife. First reason is that my wife is a vegetarian and I am a non-vegetarian. मेरी वाइफ उस तरह की वेजिटेरियन है जो एग खा लेते, क्या बोलते हैं उनको? Yes, right. Hypocrites. तो यार तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या बात हुई कि अंडा हम खा लेंगे बट मुर्गा हम खा नहीं सकते? थोड़ा एजिस बिहेवियर नहीं हुआ कि बच्चे तो ले आओ, बच्चे 3-3 ले आओ सनी साइड, अब चाहिए हमको, बट पापा मम्मी नहीं खा सकते। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं खत्म होता कि वो एगिटेरियन है, प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है वो फूडी है। फूडी वो इंसान होता है जो हर तरह की कुजीन को इंजॉय करके खाता है। मेरी बीवी को सिर्फ नॉर्थ इंडियन पंजाबी खाना ही अच्छा लगता है। आप तेल घी मसाले दे दो, वो मिट्टी खा जाए, उसे पता ना चले। बोले भी अंगद ये कौन सी नई सब्जी, मैं कहा भागा बीज डाला तेरे मुंह में, खा बैठ के। मैं आपको बता रहा हूं, हम पेरिस गए, पेरिस में आईफिल टावर देख के मूड ऑफ है, उसमें से कड़ी चावल खाने। मैं पेरिस में बैठ के कड़ी चावल ढूंढ रहा हूं, ये कोई छुट्टी होती है? और कमाल की बात है कि मिल भी गए, हम हैं ही इतनी हर जगह यार। बट ये तो है, अगर आपको सिर्फ इंडियन फूड पसंद है ना, यूरोप तो मत जाओ, उन सालों को आता ही नहीं हमारी तरह का खाना। मैं पेरिस में पास्ता खा रहा था, मैंने खाया एक बाइट, मैंने कहा नमक नहीं डाल रखा यार, मैं नहीं खा रहा इसको। फिर बीवी ने बताया 30 यूरो का पास्ता है। तो मैंने आंसुओं से ही नमक ऐड कर लिया। मैं कहा दिस इज वेरी टेस्टी, गिव मी 1 more please। सेकेंड रीजन दैट आई डोंट लाइक टू ट्रैवल विद माय वाइफ इज दैट उसे फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक है। ये काफी लोगों का दर्द होगा यहाँ। एंड शी इज ऑलवेज लाइक, हमें मेमरीज बनानी है अंगद, आई एग्री, मेमरीज बनानी है, मेरे हिसाब से भी मेमोरीज बनाओ, बट मेरे हिसाब से मेमोरी बनाना क्या होता है कि एक मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हुए 3 फोटोज लो, अब दफा हो जाओ। अगर उन 3 फोटोज में आपकी बाजुएं मोटी लग रही हैं, तो वो मोटी है। There is nothing wrong with मोटी बाजुएं। You have to accept yourself and move on, but not my wife. उसको वो परफेक्ट फोटोग्राफ चाहिए होती है। हम हफ्ते भर की छुट्टी में जाते हैं, वो 1.5 लाख करोड़ फोटोज ले लेती है। बाय द टाइम वी कम बैक टू इंडिया, द ओनली मेमोरी आई हैव इज ऑफ क्लिकिंग अदर मेमोरीज। एंड आई अंडरस्टैंड आप यूरोप जाओगे ना, वहां ज्यादा फोटोज खींचोगे, उनको सूरज ही कोई और मिल गया है यार। यूरोप की किसी गली में चले जाओ, ऐसे लगता है 4K में स्लो मोशन में जा रहे हो। हिंदुस्तान की किसी गली में चले जाओ, ऐसे लगता है HM के CCTV कैमरा से जा रहे हो। साला उनका कबूतर भी हकता तो ऐसे लगता है ऊपर से पिस्टैशियो आइसक्रीम आई है। इतनी हरी हमारी पालक नहीं हो रही यार। मैं पहली बार पेरिस गया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया, बहुत सनसेट ही नहीं होता रात के 10-10 बजे तक यार, 10 बज के सनसेट ही नहीं हो रहा, मैं बैठा बैठा विस्की की बोतल ही नहीं खोल पा रहा हूं। मैं डूब क्यों नहीं रहा ये सूरज। बट हमने जो वो 1.5 लाख करोड़ फोटोज क्लिक करी होती है ना, कहानी वहां खत्म नहीं होती। इंडिया आके उन फोटोज का IIT सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। हमें टॉप 40 फोटो भी तो सिलेक्ट करनी है, फिर लोगों को सोशल मीडिया पे तो बताना हम पैसा खर्च कर रहे हैं। टॉप 40 फोटो सिलेक्ट करने में 2 हफ्ते लगते, इतना स्ट्रेस वाला माहौल होता है ना। जो टॉप 40 सेलेक्ट होती है उनमें से 35 में मैं होता ही नहीं हूँ। और हर बार मेरी बीवी सोशल मीडिया पे डाल देती विद द सेम कैप्शन, मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप एवर।
हम जहां गए हैं उसकी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप है, मेरी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप मेरी बीवी के साथ नहीं था, वो किसी और की बीवी के साथ भी नहीं था, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ था यार, वही चार दोस्त जो डोमिनो से ब्लैकलिस्टेड है। हम कॉलेज के सेकेंड ईयर में 3 दिन के लिए गोवा गए थे, इन ऑल हमने वहां 13 फोटोज क्लिक करी थी, उनमें से एक भी ऑनलाइन चली गई। तो अगले दिन हम चारों का मोस्ट मेमोरेबल तलाक है, हमें कोई नहीं बचा सकता। Thank you so much for watching the video. If you enjoyed the video, please don't forget to subscribe to the channel and like karna hai, share karna hai, comment karna hai, because isi ki wajah se YouTube algorithm ko pata chalta hai ki aap logon ko video pasand aaya aur ye aur logon ko recommend karta hai. More importantly, mera tour shuru ho raha hai December se, iska new show called Midlife Ghabrahat. Ye raha iska poster and maine sare shows ki detail pin comment mein dal rakhi hai as well in description. I will love to see you live on shows. Aur jo is channel pe agli video hai, mera promise hai January में रिलीज होगा, विद इन द फर्स्ट 15 डेज ऑफ January. सो सी यू गाइज देन, बाय बाय.